हाँ जी, जनरल साइंस का जरा अज का अपना चैप्टर होगा वो हैगा जी फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि बल अते गति दे नियम। इस तो अलावा जनरल साइंस के पंज चैप्टर ऑलरेडी अपलोड ने, जेकर तुसी वो चैप्टर नहीं वेखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुहानू उसका लिंक जरा मिल जाएगा, उतों जाके तुसी वो बाकी के चैप्टर वेख सकते हो। नाले एक गल होर, आ जरा चैप्टर हैगा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इनू वेखन तो पहला एक चैप्टर अपलोड हैगा जी मोशन गति के नाते, वो चैप्टर तुसी पहला वेखना ता जो तुहानू आ जरा चैप्टर चंगी तरह समझा सके। नाल जेकर तुसी चैनल पर फस्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल में जरूर सबसक्राइब करो, तो नाल लगे बैल आइकन भी प्रेस करना जी, ता जो तुहानू साडी वीडियो की हरेक नवी नोटिफिकेशन टाइम नाल मिल सके। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला आपां नू पता होना चाहिए फोर्स के बारे, यानी कि जिहड़ा बल है वो की हुंदा है। फोर्स की हुंदा है? फोर्स एक एक्सटरनल एफर्ट हुंदा है जिस दे नाल आपां की कर सकते हैं, वस्तु की जिहड़ी गति है उहनू आपां चेंज कर सकते हैं, या फिर जो कोई वस्तु है वह पहला विराम अवस्था से खड़ी है उहनू आपां मोशन च लिया सकते हैं। इस दे उल्ट जेकर वस्तु पहला मोशन च हैगी है उहनू आपां रेस्ट च लिया सकते हैं। डेफिनेशन लिख देना इत्थे, बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु नूं विराम अवस्था जां एक समान गति कर रही वस्तु नूं जिहड़ी दी उहदी वस्तु दी अवस्था वस्तु दी अवस्था बदल सकता है, या फिर बदलन की कोशिश करता है। उन्हों आपा की कहने जी बल, फिर तो रिपीट कर देने, बल वो एक्सटरनल जड़ा की है एफर्ट है जिस दे नाल आपां किसी वस्तु की जिहड़ी विराम अवस्था है उन्होंने चेंज करके मोशन च लिया सकते हैं, तो जेकर वस्तु पहला मोशन तो हैगी है तो उन्होंने आप रोक के रेस्ट च लिया सकते हैं। एग्जाम्पल ना समझते हैं, जिमें कोई फुटबॉल हैगी है वो पहला कि अवस्था च हैगी है रेस्ट च, जो प्लेयर उन्होंने किक मारता है तो रेस्ट चो कि अवस्था च आ जाती है जी मोशन च। इस दे उल्ट जो तुम क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट च होंगे एक बैट्समैन होंगे जिहड़ा बॉल नूं हिट करता है तो बाउंड्री ते एक प्लेयर खड़ा उन्हों रोकता है, तो वह की करता जी उनकी बॉल की जिहड़ी गति है उन्हों रोकता है। बॉल पहला केंद्र च हुंदी है मोशन च, ते आ रोक के उन्हों केंद्र च कर दिंदा है रेस्ट च। इस तो अलावा आपां फोर्स दे नाल जिहड़ी किसी चीज़ की शेप भी चेंज कर सकते हैं, जिवें बैलून हैगा हवा नाल भरिया इहनू आपां प्रेस करके इस तरह जो कर सकते हैं, यह भी आपां फोर्स नाल। इस तो अलावा जे आपां ज़्यादा फोर्स देईए तो की है कोई वस्तु का जोड़ा साइज है वह भी चेंज हो जाता है, जिमें लोहे के उत्ते मशीन ज़्यादा फोर्स दे के किया हमारा साइज भी आप चेंज कर सकते हैं। कई बार तुम वेखे होना कि जो कोई बॉल रेट की आ रही है तो कुछ टाइम बाद अपने आप जी रेस्ट पोजिशन से आ जाती है, वो किस दे कारण होंगे वो तुम दसना जी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स से, वो कि फोर्स नाल जी रुक जाती है बॉल, जिमें कोई बॉल है वह रेट की आ रही है कुछ टाइम बाद आप बिना कोई एक्सटरनल फोर्स लाए वो अपने आप जी रुक जाती है एक थान पर आके। हाँ जी, वो किस दे कारण होंगी है वो तुम कमेंट से दसना। नैक्सट क्वेश्चन बनता जी, बल कि राशि हैगी है, बल कि राशि हैगी है। हाँ जी, बल कि है? बल जी एक वैक्टर क्वानटिटी है। हाँ जी, वैक्टर क्वानटिटी कि होंगी आपको पता होना चाहिए, वैक्टर क्वानटिटी वो होंगी है जिदा की हो मैगनीट्यूड तो प्लस उसके नाल की हो डायरेक्शन। हाँ जी, बल की है एक डायरेक्शन होंगी है, इसलिए की हैगी एक सदिश राशि हैगी, सदिश राशि। बल की होंगी जी एक सदिश राशि होंगी है। फॉर्मूला कि होंगे बल का? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन।
जिवें कोई वस्तु है उनका मास एम है तो वह ए एक्सलरेट कर रही है तो आपके दोवे के मल्टीप्लाई आप कहोंगे जी फोर्स। जिवें एग्जाम्पल नाल क्लीयर करते हैं जिवें कोई पत्थर का टुकड़ा है तो आ व्यक्ति उसनों फोर्स लगा रहे हैं इस तरह इनका मास हो जो कुछ एम मास है तो आ कुछ एक्सलरेट हो जाता है जी एक थान तो दूजी थान पर जिवें थोड़ा एक्सलरेट हो गया फोर्स ला नाल तो इन्हों दो जोड़े मल्टीप्लाई में मास एक्सलरेशन के मल्टीप्लाई आप कहने फोर्स कहते हैं। हम समझते हैं सारा कुछ क्या पहला एस आई यूनिट की होगा फोर्स का। फोर्स जेकर आप एस आई यूनिट वेखिए तो मास में आप कि मेजर करते हैं किलोग्राम से एक्सलरेशन मीटर पर सैकेंड की यूनिवर्स स्केयर तो आंदा जोड़ा फॉर्मूला बन जाएगा के जी मीटर पर सैकेंड स्केयर एस आई यूनिट हो गया जी फोर्स का। हम वेखते हैं जी एक्सलरेशन की होंगे जी जी नैक्सट आप पढ़ते हैं जी एक्सलरेशन की होंगे। जेकर तुसी चैप्टर वेखे जी मोशन तो तुहानू एक्सलरेशन वेलोसिटी इन बारे सब पता होगा पर थोड़ा जहा आप एक्सप्लेन कर देने एक्सलरेशन पंजाबी कहते हैं जी परवेग। तो परवेग की होंगे वेग दे बदलन की दर नू परवेग कहते हैं। वेग दे टाइम के हिसाब नाल टाइम दे नाल बदलन की दर आप कहने परवेग कहने। हम पहले आपको वेग के बारे भी थोड़ा जहा पता होना चाहिए वेलोसिटी की होंगी है वेलोसिटी कहते हैं जी वेग। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू होंगे जी डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम यानी कि विस्थापन बटा समय। हूँ थोड़े माइंड से विस्थापन दूरी बारे डाउट बन रहा होगा ये तुसी क्लीयर करना जी तो चैप्टर वेखना पवेगा मोशन कि विस्थापन की होंगे तो दूरी की होंगी है। हाँ जी वेलोसिटी का बारे हमने आप पढ़िया कि वेलोसिटी की होंगी है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। हम देखो जी डिस्प्लेसमेंट आप मेजर करते हैं मीटर से तो टाइम सैकेंड से तो वेलोसिटी का जोड़ा यूनिट आ गया वो कि आ गया जी मीटर पर सैकेंड। हम आप एक्सलरेशन बारे पढ़ रहे थे एक्सलरेशन की होंगे चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। जिमें कोई वस्तु है पॉइंट ए तो पॉइंट बी वल जा रही है पहला दी वेलोसिटी कोई होगी जी यू वेलोसिटी आप मान लीए यू होंगी जी इनिशियल वेलोसिटी छोटे यू नाल आप रिप्रजेंट करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी होंगी जी छोटे वी नाल होगी जी फाइनल वेलोसिटी। देखो जी कोई वस्तु है वो ए तो बी वल जा रही है पहला दा विलो जरा वेग हैगा सी यू हैगा सी तो इनका फाइनल वेग हो गया वी। तो आप एक्सलरेशन बारे हमने पढ़िया कि चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे जे टाइम आ जरा फॉर्मूला बन गया एक्सलरेशन का। एक्सलरेशन आप छोटी ए नाल रिप्रजेंट करते हैं तो की फॉर्मूला बन गया जी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो बटा टाइम। तो हमने आप पढ़िया आ की होंगे उतला सारा इनू कहते हैं जी आप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़िया सी मास बटा सॉरी मीटर पर सैकेंड तो एक टाइम पहले थले दिता है टाइम आप मेजर करते हैं सैकेंड से तो आ की बन गया जी मीटर पर सैकेंड स्केयर। तो आ फॉर्मूला जोड़ा बन गया एक्सलरेशन का मीटर पर सैकेंड स्केयर आई आप उ लाया सी जिते आप फोर्स का बनाया सी फोर्स का की फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन मास नूं आपां केजी से मेजर करते हैं तो एक्सलरेशन नूं मीटर पर सैकेंड स्केयर आ जिहड़ा एस आई यूनिट बन गया फोर्स का एस आई यूनिट ऑफ फोर्स इतों आया जी एस आई यूनिट। बाकी आ जिहड़ा फॉर्मूला हैगा आपां कित्थों कढ़दे हां जी आ न्यूटन दे सैकेंड लॉ चों अगे आपां करांगे तुहानूं पता चल जाएगा कि जिहड़ा फोर्स का फॉर्मूला है कितों आया जी आया जी न्यूटन के सैकेंड लॉ तो क्वेश्चन बनता है कि बल की परिभाषा कितों मिली सानू
ਤਾਂ ਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਫਸਟ ਲਾਅ ਤੋਂ, ਨਿਊਟਨਸ ਫਸਟ ਲਾਅ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੇ ਜੀ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੇਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਨਿਊਟਨ। ਆਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੇ ਜੀ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਊਟਨ। ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਆਈ ਯੂਨਿਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੋਰਸ ਦਾ ਐਸ ਆਈ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੇ ਜੀ ਮੀਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੇਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਨਿਊਟਨ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਐਨ ਨਾਲ। ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸ ਆਈ ਯੂਨਿਟ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਸੀ ਜੀ ਐਸ ਯੂਨਿਟ, ਸੀ ਜੀ ਐਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਕਿੰਡ, ਤਾਂ ਆਹ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਡਾਇਨ। ਡਾਇਨ ਉਹ ਚੁੜੇਲ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਡਾਇਨ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਜੀ ਐਸ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਊਟਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਊਟਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਡਾਇਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਡਾਇਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -5 ਨਿਊਟਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਜਿਹੜਾ 9.8 ਨਿਊਟਨ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, 980 ਡਾਇਨ। ਆ ਦੋਵੇਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਟਾਈਪ ਨੇ, ਬਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸਡ ਫੋਰਸ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਫੋਰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਲਾਂ ਦਾ ਪਰਿਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈੱਟ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ। ਨੈੱਟ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ੀਰੋ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਸਾ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਸਾ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈੱਟ ਫੋਰਸ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜ਼ੀਰੋ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ। ਜੇਕਰ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਇਨ ਸਾਈਜ਼, ਇਕੁਅਲ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਨੋ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੋ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ। ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾ ਲੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾ ਲੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈੱਟ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲਾਂ ਦਾ ਪਰਿਮਾਣ ਕੀ ਹੋਏ ਜੀ, ਨੈੱਟ ਬਲ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਫੋਰਸ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਇਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਇਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ।
एग्जाम्पल नाल समझते हैं, जिवें तकड़ी तुसी वेखी होगी इस तरह। भी बन गई तो ये क्या होंगे जी, आड़ी फोर्स की एग्जाम्पल हैगी है अनबैलेंसड फोर्स। या इसके अलावा जिवें झूला वेखे होना तुसी पार्क च इस तरह जो बने होंगे, इतने कोई व्यक्ति बैठा हो तो इतने भी इनकी की कंडीशन हैगी। इनू की कहते हैं जी अनबैलेंसड फोर्स में, इनू कहते हैं नैट फोर्स। सैकेंड नेम जो है नैट फोर्स भी इनू कहते हैं कि है जी, जेकर नैट फोर्स जीरो होगी तो मोशन से कोई चेंज नहीं होएगा। ये गल आप पहला भी पढ़ चुके हैं बैलेंसड फोर्स से, कि जेकर नैट फोर्स जीरो हो जाए तो कि मोशन नहीं होगा बॉडी का। आ होंगी है जी बैलेंसड फोर्स, आगे अनबैलेंसड फोर्स। हाँ जी नैक्सट जिहड़ा पॉइंट अपने को आता है वह है जी जड़ता, यानी कि इनर्शिया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी, इस तो क्वेश्चन तुहानू बन गए एग्जाम जरूर। सब तो पहला एग्जाम्पल पढ़ लेंगे कि होंगे जी जड़ता, वस्तु का वह गुण जिस करके वह बाहरी बल लगाए बगैर वस्तु अपनी विराम या गति अवस्था नहीं बदल सकती, उन्होंने आप कहें जड़ता। लिख दें जी वस्तुओं का वह गुण, वस्तुओं का वह गुण, वस्तुओं का वह गुण, वस्तुओं का वह गुण जिस करके वो, जिस करके वो बाहरी बल लगाए बगैर, बल लगाए बगैर वस्तुओं अपनिया विराम अवस्था, विराम या गति अवस्था नू नहीं बदल सकती। उन्होंने आप कहने जी जड़ता, आप कहोंगे जड़ता। फिर तो रिपीट कर देने कि कहता जी कोई वस्तु जड़ी बाहरी बल लगाए बिना अपनी जी विराम अवस्था तो गति अवस्था च नहीं आ सकती, तो गति अवस्था तो विराम अवस्था में नहीं आ सकती, उन्होंने आप कहोंगे जड़ता। जड़ता का इस तरह का एक गुण होंगे। एग्जाम्पल ना समझते हैं जिमें एक रबड़ की गेंद हैगी है तो एक लोहे की गेंद हैगी है। क्वेश्चन तो इस तरह आएगा कि किस विच जड़ता का गुण जरा ज़्यादा होंगे। हम वेख लें जी एक रबड़ की गेंद हैगी है तो एक जी आप लोहे की गेंद ले ली, जेकर आप थोड़ी जी फोर्स लावे तो कि रबड़ की गेंद हिल जाएगी एक थान तो दूजी थान, तो इन्हें आप वेखा फोर्स ला के तो एक थान तो दूजी थान नहीं हिलेगी। कहने का मतलब है जरा ज़्यादा जड़ता का गुण होएगा वह केंद्र होएगा जी लोहे की गेंद च, आएगी जी रबड़ की। और एग्जाम्पल ले लें जिमें कि है एक साइकिल हैगी है, एक साइकिल हैगी है तो एक रेलगाड़ी हैगी, रेलगाड़ी। क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि किस विच जड़ा जड़ता का गुण ज़्यादा है। हम वेखते हैं जी साइकिल आप थोड़ा जहा फोर्स लावे तो हिल जाएगी, रेलगाड़ी नहीं हिलेगी, तो जड़ता का गुण सब तो ज़्यादा केंद्र च होएगा रेलगाड़ी च। या होर एग्जाम्पल ले लें जिमें बार एक पतला जहा बंदा खड़ा तो एक मोटा जहा बंदा खड़ा, तेज दी हवा आई तो किड़ा पतला बंदा हिलन लग जाएगा, इन महसूस होगा कि हवा से जरा प्रेशर किन्ना है, तो इस दूजे बंद इन्ना ज़्यादा पता नहीं चलेगा। तो इस तो पता लगता जो जड़ता सब तो ज़्यादा केंद्र से होगी एंड सेकेंड परसन। इस तो आपको एक गल होर पता लगता है कि जड़ता केंद्र से डिपेंड करती है। हाँ जी जड़ता केंद्र से डिपेंड करती है, जड़ता डिपेंड करती है जी मास से यानी पुंज से। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है जी। क्वेश्चन आ सकता है कि जड़ता जी किंदे ते डिपेंड करती है, तो आ डिपेंड करती है जी पुंज ते। जिहदा पुंज ज़्यादा होगा उहदे च की है जड़ता ज़्यादा होगी, जिहदा पुंज घट होगा उहदे च जड़ता घट होगी। अगे जड़ता तीन तरह की होंगी है, जे आप जड़ता की गल कर रहे थे
ਤਾਂ ਜੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਰਾਮ ਜੜਤਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਤੀ ਜੜਤਾ। ਤੇ ਥਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਜੜਤਾ। ਫਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਬਲ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਬਲ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਆ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਗਤੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਬਾਹਰੀ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਗਾਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਵਿਰਾਮ ਜੜਤਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਰਾਮ ਜੜਤਾ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਵੇਖੋ, ਜੇ ਆ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ? ਰੈਸਟ 'ਚ ਸੀ। ਤੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਰੈਸਟ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਸਟ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਇਸ ਟਾਹਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ 'ਚ ਪੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੈਸਟ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਭਰੀ ਦਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਤਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਝਾੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਰੈਸਟ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਝਾੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੈਸਟ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਫਸਟ ਲਾ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਰੈਸਟ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਸਟ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਈ। ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਆ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੈਸਟ ਨਾਲ ਸੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈਗਾ? ਰੈਸਟ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਿਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਪਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ,
नेक्स्ट आता जी जड़ा गति जड़ता। गति जड़ता की कहता है कि जेकर कोई वस्तु गति च हैगी है तो वह गति विच ही रहेगी जदों तक आप उसे कोई बाहरी फोर्स जी ना लाइए। इन कहते हैं जी किवें जिमें जो कोई बस है जी अचानक रुकती है, जो कोई बस है वो चलती पी है जो वो अचानक रुकती है तो कि जो बच्चे सवारी बैठी है वनू एक धक्का जहा महसूस होंगे अगे वाल एक धक्का जहा महसूस होंगे। वह क्यों होंगे जी? क्योंकि बस के अंदर जो व्यक्ति बैठा वह की है एक गति अवस्था में होंगे, गति अवस्था में होंगे तो वह गति अवस्था में ही रहने की कोशिश करता है। जो बस वाला ब्रेक मारद तो वह अगे वाल डिगदा, यही कारण होंगे कि वह पहला कि अवस्था से गति सी तो उन्होंने अगे वाले एक झटका जहा महसूस होंगे। होर एग्जाम्पल नाल क्लीयर कर देना, मेरी एग्जाम्पल दस देना जी जो छोटा होंगे सी लाइफ टाइम के एग्जाम्पल है जिमें असी साइकिल सीखी सी नवी नवी, साइकिल का जरा आप कहते हैं गद्दी चलाने सीखी सी नवी नवी, तो मैं अपने जोड़े दोस्त को अगे बिठा लिया इतने डंडे ते, तो मैं क्या चल भी छुट्टे दे के ले तेन, तो उत्थे इतने बह गया अगे डंडे ते, पर कि उन्हें जो चप्पल पाइया से व्डिया पाइया से अपने दादे दियां चप्पल पा के आ गए सी व्डिया व्डिया, तो असी जा रहे सी ते साडे घर दे कोल पक्की सड़क बनी सी उहदे ते एक फौजियां दा ट्रक जा रहा सी। पहला की होंदा सी बच्चे की करदे सी फौजियां नूं वेख के जी बाय बाय करदे सी, कहिंदे सी कि उह टोफियां दे के जाणगे, तो ट्रक नूं वेख के जिहड़ा अगे मेरा दोस्त बैठा सी उहने एक हथ छड के बाय बाय करन दी कोशिश कीती, तो उहदा जिहड़ा बैलेंस बनाउण लई उहने की कीता जिहड़े लत्तां सी उह डंडे नूं होर जकड़ के पकड़ लिया इस तरह, तो की होएगा सी उन्हें चप्पल पाइया सी वड्डिया वड्डिया, तो उन्हें एक चप्पल है जो चक्के च आ गई अगले च आ के, तो चक्का जरा जाम हो गया, तो असी इस तरह पहला 90 का एंगल बनया तो फिर इस तरह डिगे सी अगे वाल, मतलब एकदम ब्रेक जी लग गई सी तो पिछों चकी के साइकिल एवं डिगे सी। कहिंदा कि एग्जाम्पल हैगी है कि पहला जी वस्तु रेस जी मोशन च हैगी सी वो मोशन च रहने की ही कोशिश करती है, जेकर आप बाहरी पल लाँगे तो की है एक धक्का जहा महसूस होंगे, जिमें बस वाली एग्जाम्पल बिल्कुल सही सी कि जो बस जरा ड्राइवर होंगे एकदम ब्रेक लाद तो जी सवारी एक अगे वाले एक धक्का जहा महसूस होंगे। इस तरह जिमें कोई घोड़सवार है घोड़े पर जा रहा तो एकदम घोड़ा रोक दिया तो उन्होंने अगे वाले एक झटका जहा महसूस होंगे, किस के कारण होंगे जी? इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण होंगे। थर्ड हैगा सी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इस विच की हैगा सी कि जेकर कोई वस्तु किसी डायरेक्शन से जा रही है तो वह उस डायरेक्शन जाने की जी कोशिश करेगी या फिर उस डायरेक्शन चलेगी जदों तक आप कोई बाहरी फोर्स है जी ना लाइए। इसको किवें समझते हैं? जिमें कोई कार ड्राइवर हैगा वो सीधा जा रहा अचानक एक तंग मोड़ आ गया, इस तरह तंग मोड़ आ गया तो वह जी कार इस वल इस साइड मोड़ दें तो इस साइड एकदम मोड़ता तो धक्का जी इस साइड लगेगा। कहने का मतलब की है कि जी इन कार के अंदर जी बॉडी है जो आप बैठा सी वह भी डायरेक्शन रहने की कोशिश करता, वह भी इस डायरेक्शन रहने की कोशिश करता तो एकदम जो मोड़ कटता तो उन्होंने जो धक्का जरा वो ओपोजिट डायरेक्शन लगता। इस नाल तुहानू क्लीयर हो गया होगा कि जरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की कहता है कि जेकर कोई वस्तु किसी डायरेक्शन में जा रही है तो उस डायरेक्शन रहने की कोशिश करेगी। होर एग्जाम्पल नाल जिवें कोई चलती हुई बस चो उतरते है कई व्यक्ति, ऐसे तो नहीं उतरना चाहिए कि वह चलती वही बस से कि डायरेक्शन उतरनगे उस डायरेक्शन जो उन्होंने नुकसान नहीं हो। एवें तुसी कदे वेखे कि बस इस साइड जा रही है तो तुसी इस साइड मूव करके या फिर इस साइड उतरोंगे तो की होएगा तुहानू एक धक्का लगेगा बैक साइड तुसी डिग जाओगे। आई कार होंदा कि बस जिस साइड जा रही होवे उस डायरेक्शन थोड़ा जहा चल के उतरना चाहिए ता जो कोई नुकसान ना हो। कड़ा गुण होंदा जी? इनर्शिया का डायरेक्शन वाला गुण होंदा कि जिस डायरेक्शन वस्तु जा रही है उस डायरेक्शन रहने की कोशिश करेगी। तिने फिर तो रिपीट कर देने जी। फस्ट हैगा सी विराम जड़ता, इन की हैगा सी जेकर कोई वस्तु विराम अवस्था च हैगी तो विराम अवस्था में ही रहने की कोशिश करेगी। एग्जाम्पल की हैगी सी जिमें रुखा दियाँ
ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਉਹ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਝਾੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ? ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ ਦੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਦੌੜਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਧੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ? ਵਿਰਾਮ ਜੜਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਗਤੀ ਅਵਸਥਾ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਗਤੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਤੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਸ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸ ਦੀ ਸੀਟ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸੀਟ ਉਹਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਸੀ? ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਸ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬੱਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਡ ਉਤਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਬਾਰੇ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣੇਗਾ ਜੀ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮਾਸ 'ਤੇ। ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦੀ, ਦੋ ਬੋਲ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਬੜ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜਤਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਾਰੇ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਵੇਗ। ਸੰਵੇਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਵੇਗ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇ ਗੁਣਫਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸੰਵੇਗ। ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੀ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਵਿਲੋਸਟੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਐੱਮ ਪੁੰਜ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐੱਮ ਮਾਸ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੋਸਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਵਿਲੋਸਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ? ਸੰਵੇਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਐੱਮ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਲੋਸਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਮੋਮੈਂਟਮ, ਸੰਵੇਗ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵੇਗ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਵੇਗ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਵਿਲੋਸਟੀ। ਮਾਸ ਕਹਿੰਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਚ, ਅਤੇ ਵਿਲੋਸਟੀ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਿਲੋਸਟੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਵਿਲੋਸਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੇਗ। ਵੇਗ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਿਸਥਾਪਨ ਬਟਾ ਸਮਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਥਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਤਾਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਜਦੋਂ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਸ 'ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ। ਵਿਸਥਾਪਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਐਸ ਆਈ ਯੂਨਿਟ। ਐਸ ਆਈ ਯੂਨਿਟ ਇਹਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸੰਵੇਗ ਦੀ ਐਸ ਆਈ ਯੂਨਿਟ। ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲੋਅ 'ਚ, ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲੋਅ 'ਚ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਲਾਅ। ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਟਨਸ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ।
वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी, इस तो तुहानू क्वेश्चन पक्का बनेगा एग्जाम विच। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसलिए न्यूटन ने एक बुक लिखी सी 1687 विच, एक बुक लिखी सी, बुक का नाम से जी प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया। उस विच की दिता जी जेडे लॉ ऑफ मोशन दिते हुए हैं, लॉ ऑफ मोशन यानी कि गति के नियम दिते ने, एक बुक लिखी सी न्यूटन ने, बुक का नाम की सी प्रिंसिपिया। उस विच न्यूटन के तीनों नियम जेडे दिते हुए हैं, और आप पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इहदा अदर नेम की हैगा जी, इहनू कहिंदे ने गैलीलियोस लॉ ऑफ मोशन, गैलीलियो, गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन, या फिर इहदा थर्ड नेम हैगा लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़ता दा नियम। फिर तो रिपीट कर दिंदे हां, न्यूटन्स दा जिहड़ा फर्स्ट लॉ हैगा उहनू तीन नाम नाल जाणिया जांदा है। की हैगा, एक तां हैगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, दूजा इहदा नाम की हैगा गैलीलियोस लॉ ऑफ मोशन, ते तीजा इहदा नाम की हैगा जी लॉ ऑफ इनर्शिया। हुण समझदे हां न्यूटन दे फर्स्ट लॉ च की दित्ता होया सी। हाँ जी, न्यूटन का फर्स्ट लॉ की कहता है जी कि जेकर कोई वस्तु, जेकर कोई वस्तु गति च हैगी है, गति विच है, तां वो गति विच ही रहेगी, विच ही रहेगी। इसी तरह जेकर कोई वस्तु विराम अवस्था च हैगी है तां वो विराम अवस्था विच ही रहेगी, तां वो विराम अवस्था विच ही रहेगी। कदों तक, जदों तक आपां, जदों तक उस उत्ते कोई बाहरी फोर्स, जिहड़ा बाहरी बल ना लगाया जाए। आ कहिंदा जी न्यूटन दा फर्स्ट लॉ। फिर तो रिपीट कर दिंदे हां कि कहिंदा जेकर कोई वस्तु गति च हैगी है, जे कोई वस्तु या फिर जो जिवें कोई बोल हैगी है वो गति च हैगी है, तां वो गति विच ही रहेगी, या फिर कोई बोल है वो रेस्ट च पई है तां वो रेस्ट विच ही रहेगी जदों तक आपां उस उपर कोई बाहरी बल ना लाइए। कि अब जिहड़ी बोल हैगी है आ गति च ही रहेगी, रिड़ती ही रहेगी जदों तक आपां इहदे ते कोई बाहरी फोर्स जिवें आ कोई व्यक्ति आ के इहनूं ना रोके, उन्नी देर तक आ गति च ही रहेगी। पर की हुंदा है असल च आपां वेखदे हां जिवें बोल कई दूर जा के जिहड़ी आपणे आप रुक जांदी है, वो किस दे कारण होता है, इहदे ते इक फोर्स है जिहड़ा कम करता है जिस दे कारण रुक जाती है। वो तुसीं कमेंट बॉक्स च दसना जी किस दे कारण रुकती है। ते दूजी एग्जाम्पल सी जिवें कोई वस्तु रेस्ट च पई है तां रेस्ट च ही रहेगी जदों तक आपां उहदे उत्ते कोई बाहरी फोर्स जिहड़ा ना लईए। तां एक गल होर क्लीयर हो गई कि न्यूटन दे फर्स्ट लॉ तों किहदी डेफिनेशन निकली है जी बल दी। क्वेश्चन बनेगा कि बल दी परिभाषा सानू न्यूटन दे किहड़े नियम तों मिलदी है। तां बल दी जिहड़ी परिभाषा तां मिलदी है न्यूटन दे फर्स्ट लॉ चों, ते बल दा जिहड़ा फॉर्मूला हैगा एफ इज इक्वल टू एम ए जिहड़ा आपां पढ़िया है, आ मिलदा जी न्यूटन दे सेकेंड लॉ चों। हुणे आपां करदे हां फर्स्ट लॉ दा पता चल गया कि जेकर कोई वस्तु गति च है तां उह गति च ही रहेगी, जेकर कोई वस्तु विराम अवस्था च है तां उह विराम अवस्था च ही रहेगी, कदों तक जदों तक आपां उस उत्ते कोई बाहरी बल जां ना लाइए जी, बल ला के आपां उसनों ना रोकीए या फिर उहनों उसनों मोशन च ना लियाई। हुण पढ़ते हैं जी न्यूटन का सैकेंड लॉ। हाँ जी, नैक्सट आप पढ़ते हैं न्यूटन सैकेंड लॉ, न्यूटन सैकेंड लॉ। ध्यान नाल समझना जी, एकदम थोड़ा समझ नहीं आएगा न्यूटन का सैकेंड लॉ की कहता है। फोर्स होंगे वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल कहते होंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स जिहड़ा डायरेक्टली प्रपोर्शनल होंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दे,
ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸੰਵੇਗ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਦਰ ਉਸ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਲ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਵੇਗ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸੰਵੇਗ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਦਰ ਉਸ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਲ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵੇਗ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਵੇਗ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏ ਕਿਸਦੇ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸੰਵੇਗ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਦਰ ਉਸ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਬਲ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸੰਵੇਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮੂਲਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫਸਟ ਲਾਅ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਐਮ ਇਨ ਟੂ ਏ, ਫੋਰਸ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਇਨ ਟੂ ਏ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਸੰਵੇਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਸੰਵੇਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਪੀ ਵੈਕਟਰ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਵਿਲੋਸਟੀ, ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸੰਵੇਗ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਅਤੇ ਵੇਗ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਸੇ ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਲੋਸਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀਰੋ ਹੋਵੇ, ਵਿਲੋਸਟੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀਰੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵੇਗ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀਰੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਮਿਲਣਗੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਵੇਗ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ 10 kg ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਿਲੋਸਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਿਲੋਸਟੀ ਜੀਰੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਵੇਗ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀਰੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸੰਵੇਗ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀਰੋ, ਜੀਰੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਈਏ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਐਫ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਏ, ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਮ, ਪੁਆਇੰਟ ਏ ਹੈਗਾ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ ਹੈਗਾ, ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੋਸਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਯੂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆ ਫਾਈਨਲ ਵਿਲੋਸਟੀ ਛੋਟੀ ਵੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਵੇਗ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਪੀ ਵਨ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਮ ਇੰਟੂ ਯੂ, ਜਿਵੇਂ ਯੂ ਹੈਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵਿਲੋਸਟੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਲੋਸਟੀ, ਫਸਟ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਪੀ ਟੂ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਇੰਟੂ ਵੀ, ਐਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮਾਸ, ਜਾਂ ਪੁੰਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੁੰਜ, ਅਤੇ ਯੂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਾਲ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਐਮ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪੁੰਜ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੇਗ, ਵਸਤੂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਵੇਗ। ਤਾਂ ਦੋ ਕੇਸ ਬਣ ਗਏ,
फर्स्ट की हैगा सी पी वन इज इक्वल टू एम इंटू यू छोटा, तो दूजा केस की बनया पी टू इज इक्वल टू एम इंटू छोटा वी। हूँ दोवों आप मिला दें जी, आ दो इक्वेशन आप कर लिया सी, पी वन इज इक्वल टू एम इंटू यू तो पी टू एम इंटू वी। हूँ आप सेकेंड लाच की पढ़िया सी, न्यूटन के सेकेंड लाच की दिता सी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किन दे हुंदा जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दे। आर सी एम पाया जी रेट ऑफ चेंज ऑफ जिहड़ा मोमेंटम दे की हुंदा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेख लैने आ फोर्स इज इक्वल टू की आ जाएगा जी रेट ऑफ चेंज ऑफ, आपां इहनां दा चेंज करना है कि किन्ना इहनां दा परिवर्तन आया, तो की हो जाएगा एफ इज इक्वल टू पी वन माइनस पी टू, आपां परिवर्तन करना पर यूनिट टाइम के हिसाब नाल, तां वैल्यू पुट कर देने जी कि आ जाएगा एम एन टू यू माइनस एम एन टू वी बटा टाइम। हुण एम आपां कॉमन कट लैंदे आ कि ब्रैकेट च की रह जाएगा जी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम। हुण तुहानू सारयां नू पता है आ की हुंदा जी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम, इहनू आपां की कहिंदे आ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपां डेफिनेशन पढ़ चुके हाँ कि चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, आपां इहनू की कहिंदे आ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नू आपां इस तरह भी लिख सकते हाँ जिवें आ दित्ता होया वी माइनस यू बटा टी बटा आ की हुंदा एक्सेलरेशन, तो इस तरह अपने को फॉर्मूला निकल के आ गया एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, इन सारे आप एक्सेलरेशन कहने तो इस तरह जरा फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव होया जी न्यूटन के सेकेंड लॉ। हाँ जी आ गल तुसी याद रखनी है कि बल की जी परिभाषा हैगी है, बल की परिभाषा आ किन्दे तो मिलती है न्यूटन के फस्ट लॉ तो, तो बल का जोड़ा सूत्र बल का सूत्र आ मिलता जी न्यूटन के सेकेंड लॉ तो। इस तो अलावा एक गल होर भी तुसी याद रखनी है कि संवेग विच सिर्फ जी वेलोसिटी चेंज होंगी है, संवेग विच केवल वेलोसिटी जी चेंज होंगी है, नाले इस इक्वेशन तो आप भी पता चलता है कि फोर्स है जोड़ा इनवर्सली प्रपोर्शन होंगे टाइम के, फोर्स इनवर्सली प्रपोर्शनल हुंदा जी टाइम दे, कि जिन्ना टाइम वधेगा फोर्स उन्नी घटेगी, इसके उल्ट जिन्नी फोर्स वधेगी टाइम उन्ना जिहड़ा घटेगा। इस दियां भी एग्जाम्पल आपां अगे करांगे। हुण पढ़दे हां जी न्यूटन दा थर्ड लॉ। हाँ जी नैक्सट अपने कोल आंदा जी न्यूटन दा थर्ड लॉ, न्यूटनस थर्ड लॉ। न्यूटनस थर्ड लॉ की कहता जी कोई एक्शन होएगा उसके उल्ट की होएगा जी रिएक्शन, कोई एक्शन होएगा उसके उल्ट की होएगा रिएक्शन होएगा पर ओपोजिट इन डायरेक्शन होएगा, या फिर आप पंजाबी कह लिए कि कोई भी क्रिया दे उल्ट प्रतिक्रिया होगी, प्रतिक्रिया होगी समान होगी पर उल्ट होगी, समान होगी पर की है उल्ट होगी, उल्ट मतलब उल्ट डायरेक्शन उल्ट दिशा विच होगी। फिर तो रिपीट कर देने, न्यूटन का जिहड़ा तीजा नियम कहता है कि कोई भी क्रिया के उल्ट प्रतिक्रिया होगी वह समान होगी पर की है, समान मतलब उनका समान फोर्स लगेगा पर की है डायरेक्शन जी उल्ट होगी। इसकी सब तो वधिया एग्जाम्पल की है जी रॉकेट, रॉकेट जो उड़ता है तो की है वो अपने फ्यूल के कारण जी नीचे गैसा छड़ता है, वह की करता जी हवा से दबाव पाती है, हवा से इस तरह प्रेशर मिलता उन्होंने, तो आप न्यूटन के थर्ड लॉ हमने पढ़िया कि कोई क्रिया होगी उस उल्ट जी की होगी प्रतिक्रिया, जो इनके उत्ते प्रेशर पवेगा हवा से तो हवा भी उसनों उत्ते वाल जरा एक प्रेशर देगी सेम फोर्स नाल, जिनी फोर्स नाल नीचे नू प्रेशर होगा उन्नी फोर्स नाल जी उत्ते नू प्रेशर होगा, यही कारण है जरा रॉकेट जोड़े उत्ते उड़ते हैं। होर आप एग्जाम्पल दे जिमें कोई व्यक्ति है इस साइड खड़ा गेंद नू दीवार च मार रहा इस तरह,
ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਬਣਾਈਏ ਆਹ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਾਵੇਗੀ ਉਨੇ ਹੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਮਾਰਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਓਪੋਜਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਧਕੇਲੇਗਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਧਕੇਲੇਗਾ ਉਨੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਬੋਟ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਿਵੇਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬੋਟ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਛਾਲ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛਾਂ ਵੱਲ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਫਸਟ ਰੋਕਟ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਕਟ ਉੱਚੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਕਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਂਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਵਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਹਵਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਰੀ ਓਪੋਜਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇਕੁਅਲ ਫੋਰਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਕਟ ਉੱਡਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਛੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਪਰ ਓਪੋਜਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਧਕੇਲਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲ ਨੂੰ ਕੰਧ 'ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਉਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਓਪੋਜਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾਵ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵ ਚਾਲਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਨਾਵ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਨਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਥਰਡ ਲਾਅ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਅ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਥਰਡ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਥਰਡ ਨਿਯਮ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸੰਵੇਗ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਨਿਯਮ ਸੰਵੇਗ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਨਿਯਮ ਆਹ ਵੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੂਮੈਂਟਮ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸੰਵੇਗ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਬਲ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਸੰਵੇਗ ਆ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਬਲ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸੰਵੇਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਬਲ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਸੰਵੇਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਹੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਗ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਫੋਮ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਫੋਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੇਮ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੋਰ ਆਪਾਂ
डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस की है एक फॉर्म तो दूजी फॉर्म से आप चेंज कर सकते हैं। सेम संरक्षण का नियम भी उस तरह है कि जो किसी सिस्टम से कोई बाहरी बल क्रिया नहीं कर रहा तो उस सिस्टम का जो कुल संवेग है वो सुरक्षित रहता है। एक एग्जाम्पल नाल आप प्रूव करते हैं। हाँ जी, आप प्रूव करना है कि ड्यूरिंग एनी कोलिजन द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन। फिर तो रिपीट कर देने जी, आप प्रूव करना है कि ड्यूरिंग एनी कोलिजन द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन। यानी कि कोई दो आप गेंदा ले लिए उन्होंने टकराव तो बाद जो कोलिजन होगा वह की आएगा सेम होगा। जिमें कोई दो गेंदा ने वो पहला इस डायरेक्शन चल रही ने, फिर इस की है इनका टकराव हो गया, उस तो बाद फिर डायरेक्शन से चलन गया तो उन्होंने जोड़ा कोलिजन है वह सेम होगा। वो आप प्रूव करने एग्जाम्पल के नाल। हाँ जी, असी दो बोल लीतिया ने, आएगी बोल फस्ट ए ते आ बी, इसका मास है एम ए, इनका है जी मास एम बी। आ किसी विलोसटी चल रही है, इनकी विलोसटी है जी यू ए, तो इनकी है यू बी। छोटे यू नाल आप नोट करते हैं जी जी इनिशियल विलोसटी होंगी है। तो इस तरह इतने इनका जोड़ा सैकेंड इमेज है उस पर है इनका कोलिजन है मास सेम है मास एम ए तो इनका मास एम बी। फोर्स लग रही है एफ वन तो एफ टू, इनका भी मास ए मास बी। तो कोलिजन तो बाद जी इनकी वेलोसिटी होगी जी छोटी वी ए तो छोटी वी बी। हम पहला जी वस्तुआं ने वो एको ही डायरेक्शन मूव कर रही सन, इनू आप कह दें बिफोर कोलिजन, मतलब टकराव तो पहला एको ही डायरेक्शन जी मूव कर रही थी। टकराव कदों होगा जी जदों मास ए की जी वेलोसिटी ज़्यादा होगी मास बी तो। हाँ जी, कर दें सेकेंड की जी वेलोसिटी वो ज़्यादा कर दें फस्ट नालों, नहीं जी फस्ट की जी वेलोसिटी ज़्यादा कर दें सेकेंड नालों, तो इन्हों का टकराव होगा। आ जी सेकेंड इमेज हैगी है ड्यूरिंग कोलिजन, इस टकराव हो गया जी इस तरह, इस डायरेक्शन दोवें जा रही सन, सेकेंड की आप स्पीड वधाती तो इतने टकराव हो गया एक टाइम सन, मतलब एक टाइम से इन्हों का टकराव हो गया पर यूनिट टाइम के नाल। तो थर्ड जी इमेज हैगी है जी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन की है इस डायरेक्शन दोवें मूव करनगे, जो टकराव हो जाएगा बोल के नाल तो इस डायरेक्शन मूव करनगे। आप प्रूव करना कि इस टाइम फस्ट इमेज जिन्ना भी इन्हों का मोमेंटम है सी उ मोमेंटम जरा फाइनल से है कि आप प्रूव करना है। मोमेंटम की होंगे जी पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, हाँ होंगे जी मोमेंटम। तो की आप प्रूव करना कि फस्ट का जिन्ना भी टोटल मोमेंटम हैगा सी, कहना मतलब है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। आप प्रूव करना है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम यू नू आप इनिशियल वेलोसिटी नाल मानते हैं तो छोटे वी नू फाइनल वेलोसिटी नाल। तो फस्ट की है कि टोटल इनिशियल जिहड़ा मोमेंटम हैगा वो इक्वल टू होवे टोटल फाइनल मोमेंटम दे। आई आप प्रूव करना तो फस्ट टोटल इनिशियल मोमेंटम आप कर लें कि होगा जी हो जाएगा जी एम ए प्लस यू ए प्लस एम बी प्लस यू बी, आएगा जी टोटल इनिशियल मोमेंटम कहते इक्वल टू होना चाहिए आ होना चाहिए एम ए वी ए प्लस एम बी प्लस वी बी। जी इन्हों का टोटल आप करके कर लिया कि इसनों आप जो एड करा तो आ हो जाएगा जी टोटल इनिशियल मोमेंटम, आ टोटल इनिशियल मोमेंटम होना चाहिए टोटल फाइनल मोमेंटम से इक्वल। आप हमने प्रूव करा जी
ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਬਣਦੇ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮੂਮੈਂਟਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮੂਮੈਂਟਮ ਦੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਥਰਡ ਲਾਅ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਆ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਫ ਵਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇਗੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਤੇ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨਿਯਮ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਮੂਲਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਫੋਰਸ ਦਾ, ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਐਫ ਵਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਜੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਸਤੂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਐਫ ਟੂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਫਸਟ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਐਫ ਵਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮਾਸ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਡੀ ਇੰਟੂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਫੋਰਸ ਐਫ ਵਨ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਸ ਐਫ ਵਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਇਸ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕੱਢੀਏ ਐਫ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਐਫ ਟੂ ਦਾ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮਾਸ ਆਫ ਫਸਟ ਬੋਡੀ ਅਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਸਟ ਬੋਡੀ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਐਫ ਟੂ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਸਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਵੈਲਿਊ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਥਰਡ ਲਾਅ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕਿ ਐਫ ਵਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਈਨਸ ਐਫ ਟੂ ਦੇ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ, ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਫ ਵਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਮ ਬੀ ਅਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੀ ਦਾ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਐਮ ਏ ਮਾਸ ਆਫ ਬੋਡੀ ਏ ਦਾ ਅਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੋਡੀ ਏ ਦਾ, ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵਿਲੋਸਟੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਵਿਲੋਸਟੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੋਸਟੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਲੋਸਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਐਮ ਬੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿਲੋਸਟੀ ਆਫ ਬੋਡੀ ਬੀ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵਿਲੋਸਟੀ ਆਫ ਬੋਡੀ ਬੀ ਦੀ ਬਟਾ ਟਾਈਮ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਏ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿਲੋਸਟੀ ਆਫ ਬੋਡੀ ਏ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਬੋਡੀ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੋਸਟੀ ਆਫ ਬੋਡੀ ਏ ਬਟਾ ਟਾਈਮ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵਿਲੋਸਟੀ ਬਟਾ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਵਿਲੋਸਟੀ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵਿਲੋਸਟੀ ਬਟਾ ਟਾਈਮ, ਆਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟੀ ਨਾਲ ਟੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਐਮ ਬੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਊਟਲਾਈ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਵੈਲਿਊ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਮ ਬੀ ਵੀ ਬੀ, ਐਮ ਬੀ ਵੀ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਮ ਬੀ ਅਤੇ ਯੂ ਬੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਮ ਏ ਵੀ ਏ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਮ ਏ ਯੂ ਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਅਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਮ ਬੀ ਵੀ ਬੀ ਪਲੱਸ ਐਮ ਏ ਛੋਟੀ ਵੀ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਏ ਵੀ ਏ
प्लस एम बी यू बी। हाँ जी अप्रूव हो गया जी अपना, आई आप प्रूव करना सी आ जी वैल्यू आ गई तो आ वैल्यू जी आ गई। कहने का मतलब है कि जड़ा टोटल इनिशियल मोमेंटम होंगे वो इक्वल होंगे जी टोटल फाइनल मोमेंटम दे। हाँ जी एक गल मैं बार बार कहना भूल जाता जी, जेकर तुहानू वीडियो चंगी लग रही है तो वीडियो नू लाइक करो तो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि तुहाडे एक एक लाइक के नाल जिहड़ा मैनू वीडियो बनाउण दा हौसला मिलता है जी। तो कमेंट करके जरूर दस्या करो वीडियो तुहानू किद्दां दी लगी है, समझ आ रही है जां नहीं आ रही, तो वीडियो नू शेयर जरूर करो जी, वध तो वध शेयर करो जी। तुसीं जेकर मेरी हैल्प करना चाहते हो तो बस वीडियो नू शेयर कर सकते हो, तो चैनल नू सबसक्राइब करो वध तो वध। हाँ जी नैक्सट आप कुछ न्यूमेरिकल करके वेखते हैं कि किस तरह के न्यूमेरिकल तुहानू एग्जाम विच पूछे जा सकते हैं। जिवें फर्स्ट है जी फोर्स के फॉर्मूले तो रिलेटेड आप न्यूमेरिकल करांगे, फोर्स तो जो पहला फॉर्मूला नोट कर लीए कि होंगे जी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन होंगे जी। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिवें 4 kg की कोई वस्तु हैगी, 4 kg पुंज की वस्तु से जो आप 20 न्यूटन का जो आप बल क्रिया करे, बल क्रिया करे तो उसका प्रवेग की होगा। फिर तो रिपीट कर देना कि 4 kg की कोई वस्तु है उनके आप जेकर 20 न्यूटन बल लाइए तो उनका प्रवेग की होगा। जिवें कोई 4 kg का बॉक्स है तो कोई व्यक्ति है वो फोर्स ला रहा कितना 20 न्यूटन, 20 न्यूटन वो फोर्स ला रहा तो कितना वो एक्सलरेट करेगी वस्तु। इस तरह के छोटे छोटे जिहड़े न्यूमेरिकल तुहानू आ सकते हैं। किवें हल करांगे जी, आपां नू मास दिता होया, मास कितना है जी 4 kg, मास हुंदा जी पुंज, पुंज आपां नू पता है कितना 4 kg। उस तो बाद आपां नू की दिता होया, फोर्स दिती हुई है बल दिता होया, बल कितना है जी 20 न्यूटन। कढ़ना की है प्रवेग कढ़ना, एक्सलरेशन जिहड़ा आपां कढ़ना, तो इस फॉर्मूले च आपां पुट कर देवे एक्सलेशन आ जाएगा। एक्सलेशन इस साइड ले जावे तो हो जाएगा एक्सलेशन इज इक्वल टू फोर्स बटे च की आ जाना है मास, इस आप पुट कर देने तो प्रवेग की आ जाएगा, फोर्स कि लग रही थी 20 न्यूटन तो मास कि 4 kg, इनू कट देवे तो की आ जाएगा 5। हम 5 की आएगा जी एक्सलेशन आप यूनिट की है एक्सलेशन का 5 m/s² आ की आ गया जी प्रवेग। इस प्रवेग नाल जिहड़ी वस्तु आ मूव करेगी जेकर आपां 20 न्यूटन का फोर्स लाइए 4 kg की वस्तु के उत्ते। इस तरह के न्यूमेरिकल तुहानू आ सकते हैं। नैक्सट न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ जी नैक्सट न्यूमेरिकल जे जेकर आपां नू फोर्स कढ़नी होए, बल कढ़ना होए तो क्वेश्चन जिवें आपां 5 kg पुंज वाली, किलोग्राम पुंज वाली गेंद नू 5 m/s² का प्रवेग देने लई किन्ने बल की लोड़ होगी, किन्ने बल यानी फोर्स की लोड़ होगी। क्वेश्चन फिर तो समझते हैं जी की कहता जी क्वेश्चन च कि 5 kg पुंज वाली एक गेंद हैगी है, काफ़ी भारी हैगी है, उन्होंने जेकर आप एक्सलरेशन देना प्रवेग देना है किन्ने 5 m/s की, तो आप कि जो फोर्स है लाना पवेगा। जिमें कोई व्यक्ति है उनके को 5 kg वाली बोल हैगी है, उन्हें एक्सलरेशन देना कि 5 m/s का, तो उन्होंने किन्ना फोर्स है जोड़ा लाना पवेगा। फोर्स तो आप फार्मूला जानते हैं सभी, मास इंटू एक्सलरेशन तो दिता कि सब तो पहला वो नोट कर लीए, मास अपने को कि जरा 5 kg, तो उस तो बाद आपू एक्सलरेशन दिता हुआ है, एक्सलरेशन कि 5 m/s² फोर्स आप क्ढना जी, तो सिंपल ही ए पुट कर दिए सीधा, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सलरेशन है तो इन्हों मल्टीप्लाई कर देना 5 × 5 तो क्या जाएगा 25।
हम 25 की आ जाएगा 25 न्यूटन, 25 न्यूटन अपन फोर्स जरा लाना पड़ेगा जी। नैक्सट अपन करते हैं जी कि फोर्स का टाइम के नाल की रिलेशनशिप है। आप पढ़िया कि फोर्स जरा टाइम के इनवर्सली प्रपोर्शनल होंगे कि फोर्स जो आप बढ़ाने तो टाइम घटता है, जेकर आप टाइम बढ़ाने तो फोर्स जो कि है वह घटता है। इस दे उत्ते किस तरह के तुहाडे कोल नुमेरिकल पूछे जा सकते हैं, जिवें कोई आपां नुमेरिकल ले लईए दो तरह के आपां नुमेरिकल ले लईए, उस तों तुहानूं एक्सप्लेन हो जाएगा। जिवें कोई क्रिकेट बॉल हैगी है जी, उनका मास हैगा, मास आपां नूं दित्ता होया 1 kg की बॉल हैगी है, तो उनका इनिशियल वेलोसिटी अपने कोल दित्ती हुई है, शुरुआती उनका वेग हैगा जी 50 मीटर पर सैकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी आँदी जी आपको दी है, फाइनल वेलोसिटी होगी 0। जिवें एग्जाम्पल समझ जी, एक कोई बोलर है बॉल फेंक रहे तो सामने कोई बंदा उन्होंने कैच कर रहा, ठीक है, इधरों बॉल सुट रहा तो सामने वाला बंदा उन्होंने कैच कर रहा, तो की है बॉल का मास कितना है, पुंज कितना है 1 kg, तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि वो जो व्यक्ति फेंक रहा उन्होंने बॉल में सुट रहा है तो उनकी जी वेलोसिटी कितनी है 50 मीटर पर सैकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी जो आ कैच कर रहा है तो फाइनल वेलोसिटी की होगी 0, मतलब उनकी वेलोसिटी इतने रुक गई, बॉल जी रेस्ट अवस्था से आ गई। तो फर्स्ट केस की है जिंदे मास 1 kg है, इनिशियल वेलोसिटी शुरुआती वेग अपन दिता हुआ है, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, तो टाइम भी अपन दिता हुआ है, टाइम कितना है मतलब कितना टाइम लगा वो कैच लेने लिए, टाइम लगा जी 1 सैकेंड का। हम वेखते हैं कि उन्होंने किन्ना फोर्स जरा लगेगा, किन्ना धक्का उन्होंने लगेगा, क्योंकि आप पढ़िया कि टाइम इनक्रीज़ करने फोर्स डिक्रीज़ होंगे, तो फोर्स इनक्रीज करने टाइम डिक्रीज़ होंगे। तो वेखते हैं फर्स्ट केस से फॉर्मूला आप पढ़िया कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। हाँ जी, एक्सलरेशन की वैल्यू की होंगी है कि कहें आप चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम आ के होंगे एक्सलरेशन। बस आई वैल्यू आप जी पुट कर देनी है, एफ इज इक्वल टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम, इन्हें पुट करा तो की आ जाएगा, मास अपन दिता 1 kg, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, तो माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी हैगी 50 बटा टाइम t, तो जी फोर्स कितनी आ गई वो आ गई जी -50 न्यूटन। कहने का मतलब है उस बंदे के हाथ से जी फोर्स लगेगी वो लगेगी जी -50 न्यूटन की। दूजे केस से कर लें, जो मास सेम दिता है 1 kg का, तो जी अपने को इनिशियल वेलोसिटी हैगी है वो हैगी जी 50 मीटर पर सैकेंड की सेम, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इस बार टाइम आप इनक्रीज़ कर देने, टाइम है जी 5 सैकेंड का। तो फॉर्मूले से पुट कर देने, एफ इज इक्वल टू की होंगे मास 1 kg दिता है, तो आ हो गया जी 0 -50/5, इन जो आप कटा तो फोर्स किन्नी आ जाएगी जी -10 न्यूटन। कहने का मतलब है जेकर कोई व्यक्ति है वह पहला कैच कर रहा सीधा, मतलब इतने, तो दूजे डायग्राम से वही व्यक्ति जो कैच कर रहा इस साइड, मतलब पहला हाथ इतने से हौली हौली हाथ नीचे करके, मतलब कि कर टाइम नू इनक्रीज़ कर रहा, टाइम नू इनक्रीज़ करेगा तो फोर्स जी होगी वो डिक्रीज़ होगी। तो इतने की है, इन्हें टाइम इनक्रीज़ नहीं किया, सीधा ही कैच फड़ लिया, इस तरह नहीं फड़ना चाहिए। आई कारण है कि जो वो जो खिडारी होंगे वो कैच लेने वाले वेलेट की है जो हाथ नू पिछा वाल क्यों करता है, आई कारण होंगे क्योंकि टाइम इनक्रीज़ करने के नाल फोर्स जी डिक्रीज़ होंगी है। तुम दोनों एग्जाम्पल से वेखे कि फस्ट से आप टाइम कि लिता 1 सैकेंड का, तो फोर्स कि लगी है -50 न्यूटन, मतलब ज़्यादा फोर्स लगी है, हाथ से सट्टा वगैरह भी बच सकते हैं इस तरह, या अगर आप लेदर की बोलो इस तरह कैच करिए। सैकेंड से की है, उन्हें जो हाथ पिछा वाल करके कैच लिता तो टाइम इनक्रीज़ करता उन्हें, तो टाइम इनक्रीज़ किया तो फोर्स जी घट लगी है, यानी कि 10 न्यूटन की -10 यूनिट जी फोर्स लगी है। आ गल तुसी याद रखनी है कि फोर्स इनक्रीज़ करने वाले टाइम जरा डिक्रीज़ होंगे, तो टाइम इनक्रीज़ करने वाले जी फोर्स है वो डिक्रीज़ होंगी है। हाँ जी, अज की वीडियो जी इतें ही समाप्त करते हैं, जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगी है तो वीडियो नू जरूर लाइक करो, तो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो।
जेकर तुसी चैनल ते पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल नो जरूर सबसक्राइब करो ते नाल लगे बैल आइकन भी प्रेस करो। बैल आइकन जो तुसी प्रेस करोगे तो इतने तीन ऑप्शन आते हैं जी, उनके विच तुसी ऑल ते क्लिक करना ता जो तुहानू साडी हरेक नवी वीडियो की नोटिफिकेशन और टाइम नाल मिल सके। जेकर तुसी ऑल ते क्लिक नहीं किया तो नोटिफिकेशन और टाइम नाल नहीं मिलेगी, तुहानू पता नहीं चलेगा कि वीडियो कदों अपलोड हुई सी। तो वीडियो के कमेंट से तुसी जरूर दसना तुहानू वीडियो किदां दी लगी, क्योंकि तुहाडे कमेंट करके ही मैनू हौसला मिलता जी वीडियो बनाउण दा। तो यह जिहड़ी वीडियो हैगी है ये ETT के सैकेंड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैगी जी, मतलब बहुत ही इंपोर्टेंट है। इस चैप्टर तो तुहानू जरूर क्वेश्चन पेपर 'च वेखन नू मिलेगा जी। हाँ जी, मिलते हैं नैक्सट वीडियो से, उदों तक दे लई टेक केयर।